एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वैगन। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच इज गिवन बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट एच विटेकर इन 1969 एंड ही गिवन फाइव किंगडम इन हिज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर दे आर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दैट इज देयर सेलुलर स्ट्रक्चर, और वेदर दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Then the five kingdoms which is given by Robert S. Whittaker is, first is Plantae, second is Animalia, third Fungi, fourth Monera, fifth Protista. Plantae में क्या क्या होते हैं? Charophyta होते हैं। Charophyta को हम लोग higher green algae कहते हैं, और brown algae को हम लोग Phaeophyta कहते हैं, red algae को हम लोग Rhodophyta कहते हैं, और इसमें plants भी आते हैं। अलगे और प्लांट्स दोनों आते हैं प्लांटे में। और एनिमेलिया में एनिमल्स आते हैं, और फंगी में जितने भी फंगस होते हैं वो आते हैं, और मोनेरा में हम लोग के बैक्टीरिया आते हैं, साइनोफाइटा आते हैं, साइनोफाइटा को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगे भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्म आते हैं, माइकोप्लाज्म को हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और बैक्टीरिया का जो है फॉसिल्स फाउंड किया गया था 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। कहाँ पाया गया था इसका फॉसिल? इन रॉक स्ट्रेटा। और प्रोटिस्टा में हम लोग के सारे अलगे आते हैं एक्सेप्ट कैरोफाइटा डेट इज हायर ग्रीन अलगे, ब्राउन अलगे डेट इज फेयोफाइटा, रेड अलगे डेट इज रोडोफाइटा, एंड प्रोटोजोआ के बाद इसमें सिंपली फंगस आते हैं जिसको हम लोग स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों हम लोग के क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और ये प्लांटे, एनिमेलिया और फंगस तीनों क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नेक्स्ट डाइसेन